के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पेट्रोटेक 2019 कार्यक्रम के अवसर पर हस्ताक्षर किए गए। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रेज्ड 5.2204 बिलियन फिलीपींस पीसोस फ्रॉम ए न्यू इशू ऑफ लोकल करेंसी बॉन्ड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। करेंसी लिंक्ड बॉन्ड आर डोमिनेटेड इन द लोकल करेंसी बट सेटल्ड इन यूएस डॉलर्स। एशियाई विकास बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय मुद्रा बॉन्ड के एक नए निर्गमन से 5.2204 बिलियन फिलीपीन पैसोस जुटाए हैं। करेंसी लिंक्ड बॉन्ड को स्थानीय मुद्रा में नामित जाता है लेकिन अमेरिकी डॉलर में स्थिर किया जाता है। बॉन्ड 4 वर्ष की अंतिम परिपक्वता के साथ 5.25% की एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करते हैं। नेक्स्ट, INS रिकर्न द फ्रंट लाइन वर्शिप ऑफ द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन ए मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कट क्लास एक्सप्रेस 2019। द एनुअल एक्सरसाइज कट क्लास एक्सप्रेस इन स्पॉन्सर्ड बाय US अफ्रीका कमांड एंड कंडक्टेड बाय नेवल फोर्सेज अफ्रीका। भारतीय नौसेना के अग्रपंक्ति युद्धपोत INS त्रिकंद ने एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्स कट क्लास एक्सप्रेस 2019 में भाग लिया। वार्षिक अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस को US अफ्रीका कमांड द्वारा प्रायोजित किया जाता है और नेसना बलों अफ्रीका द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, आबू धाबी हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड हिंदी एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन इट्स कोर्ट्स अलोंगसाइड अरेबिक एंड इंग्लिश एज पार्ट ऑफ ए मूव डिजाइंड टू इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस। अबू धाबी ने हिंदी को अपनी अदालतों में इस्तेमाल होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, द 5-डे मल्टीनेशनल मार्टीटाइम एक्सरसाइज अमन 2019 इन विच 46 नेशंस पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज फॉर्मली कमांड एट पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड विद ए कलरफुल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। दुनिया भर से 46 देशों की भागीदारी के साथ 5 दिवसीय बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन 2019 को औपचारिक रूप से पाकिस्तान के नौसेना डॉकयार्ड में रंगारंग ध्वजारोहण समारोह के साथ शुरू किया गया था। आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। एजीज ग्राम बेल अवार्ड 2018 अनाउंस्ड यस बैंक एज द विनर इन इनोवेशन इन डाटा साइंस कैटेगरी फॉर दियर इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोजेक्ट यस ट्रिपल ई इंगेज एनरिच एक्सल एट पणजी गोवा। एजिस ग्राम बेल अवार्ड 2018 ने पणजी गोवा में यस बैंक को उसके उद्योग प्रथम परियोजना यस ट्रिपल ई इंगेज एनरिच एक्सेल के लिए इनोवेशन इन डेटा साइंस श्रेणी में विजेता घोषित किया है। नेक्स्ट, एक्लेम्ड इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर दीपा मेहता विल बी गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द अकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन। मेहता इज बेस्ट नोन फॉर हर एलिमेंट्स ट्रिलॉजी फायर अर्थ एंड वाटर। प्रशंसित इंडो कनाडाई फिल्म निर्माता दीपा मेहता को अकादमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। मेहता को उनके एलिमेंट्स ट्रिलॉजी फायर अर्थ और वाटर के लिए जाना जाता है। आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट नियुक्ति की। रुचिरा काम्बोज वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान। सी इज सर्विंग एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका सिंस 2017। रुचिरा काम्बोज को भूटान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2017 से दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में सेवारत है। नेक्स्ट, इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सिसी हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एट द कंटिनेंटल बॉडी समिट इन इथियोपिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी को इथियोपिया में महाद्वीपीय निकाय शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचारों की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ट्रीट डिपॉजिट्स टू ओवर 2 करोड़ रुपीज एज बल्क एज दे डबल्ड द लिमिट फॉर द सेम फ्रॉम द अर्लियर 1 करोड़ रुपीज।
This move will enhance the operational freedom of banks. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि को थोक के रूप में घोषित करने का फैसला किया है, क्योंकि जो कि इसकी पूर्व सीमा 1 करोड़ रुपए से दोगुनी कर दी गई है। यह कदम बैंकों की परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़, खेल समाचारों की बात की जाती है। इन टेनिस, फ्रांसिस क्वारंटीन मोटेट हैज क्लिंच्ड द चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट टाइटल आफ्टर बीटिंग एंड्रू हैरिस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द सिंगल्स फाइनल। टेनिस में फ्रांस के क्वारंटीन मोटेट ने एकल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू हैरिस को हराकर चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपॉइंटेड रिकी पोंटिंग एज द असिस्टेंट कोच फॉर ऑस्ट्रेलियाज क्रिकेट टीम फॉर 2019 वर्ल्ड कप। पोंटिंग वाज अपॉइंटेड आफ्टर डेविड सेकर्स रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट। रिकी पोंटिंग वर्क एज द असिस्टेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज T20 इन 2017 एंड 2018। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिकी पोंटिंग को 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है। डेविड सकर के पद से इस्तीफा देने के बाद पोंटिंग की नियुक्ति की गई है। रिकी पोंटिंग ने 2017 और 2018 में T20 के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहायक के रूप में कार्य किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है। प्लीज़ यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। इसके अलावा आप यूवी कंपटीशन चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।